नेक्स्ट पिंजरे की तरफ चलें। अभी हम उससे आगे वाले पिंजरे की तरफ आए हैं। अब यहाँ पे देखें कौन सी ब्रीड है जो गुज़नफर भाई हमें शौक करवाते हैं। ये एक बुजुर्ग कबूतर फिर रहा है, ये बुजुर्ग कबूतर। ये देखें दोस्तों घूमते फिरते जरा बैठे कबूतर देखें आप। पसंदीदा कबूतरी है। अच्छा जी, मैं आपको फोन करवा रहा हूँ। कौन टेडी और जोंसले का क्रॉस है? टेडी और जोंसले का क्रॉस। जी जी माशाल्लाह। ये फ्रांसी इसकी माँ है। हाँ, और टेडी इसका बाप है। टेडी इसका बाप है जी। हाँ तो जी दोस्तों चेक करें मादी की आंख पहले। टेडी और फ्रांसी क्रॉस में ये मादा बनी हुई है और फेवरेट मादा जी उस्ताद गुज़नफर साहब की जी। सखर से हैं हमारे साथ। माशाल्लाह बड़ी प्यारी आँख है जी। इसका कलर दिखाएं ज़रा आप दोस्तों को ना थोड़ा सा। ये देखें दोस्तों ये कलर है इसका, ये टेडी और फ्रांसी क्रॉस के बाद। जी जी ये देखें दोस्तों कलर। अच्छा ये गुज़नफर भाई इनमें कौन कौन से बर्ड्स हैं? बर्ड्स ये देखें इनमें ये सब, ये टेडी भी है, फिरोजपुरी भी है। जी जी इनमें वो क्रॉस जो लेंगे टेडी और फिरोजपुरी का ज़्यादातर। अच्छा जी कबूतर है जी ये वाला। ये देखें ये सियालकोटी कबूतर है जी। माशाल्लाह देखें जी दोस्तों आइज इसकी, ये देखें ये इसका कलर भी देख लें। सियालकोटी कबूतर है ये। अब मैं आपको नीले कबूतरों का शौक करवाऊंगा। घर की ओरिजिनल ब्रीड है जो ओरिजिनल। हाँ, ओरिजिनल जो ये सब में डालते हैं। सही हो गया जिनका ये क्रॉस देते हैं सब में। सही तो जी दोस्तों ये इनके रीजनल नीले कबूतर जो है ना, अब उनका शौक करवाएंगे गुज़नफर भाई। वो कह रहे हैं ये देखें। लो जी ये पहले हाथ में ऐसे आपको शौक करवाते हैं इसका। देखें माशाल्लाह ये मादा देखें। मादा ये ठीक है। ये मेरे सखर में एक पटी आई थी इसका आई जैसे कर। उसने भी बाकमाल परवाजें दी थी इनने। इन्होंने दोस्तों पहले इसकी आईज का शौक करें। अच्छा ये सखर में भी आपके पास इनका रिजल्ट गया है? हाँ जी हाँ। वेरी गुड है। तो ये इनका क्रॉस कमंगरों में से भी है। जी जी हाँ जी। लो जी ये मादा है। पहले देखना ये इनके ऊपर जो ये सफेदी आ रही है। जी 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 तो लोग इसको चीना बोलते हैं मगर है ये इन्हीं नीलों में से। नीलों में से निकला हुआ ये। जी हाँ माशाल्लाह ये नीलों में से ही निकला हुआ ये। ये नीले इनके पास कहाँ से आए? कोई इलम है ये मुझे इतना इलम नहीं है। अच्छा अच्छा पाप हो जे तो पता बताते हैं आपको। इनके पास बहुत पुराने कबूतर हैं। पुराने कबूतर हैं। सही हो सही सही। लो जी एक और बड़ा प्यारा नारा है और आँख भी बड़ी प्यारी है इसकी कबूतर की। शौक करें मज़ा आएगा आपको। लो जी देखें नीले कमग्गर कबूतर हैं ये। गुज़नफर भाई जो सेबे वाले कबूतर हैं उनका कोई है नहीं अमल दखल? नहीं 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 कोई अमल दखल नहीं है क्योंकि वो सेबे वाले कबूतर हैं लाहौर के। जी जी और वो चौधरी साहब के कबूतर हैं वो उनके पास ही लोग ले जाते हैं। बोलते तो हैं कि ये सेबे वालों में से हैं। जी जी मगर नहीं ये इनकी अपनी नस्ल है अपनी। जो 81-82 में इनके पास थी 1981-82 से। सही, आपको माशाल्लाह। तो जी ये नर था जिसका शौक करवाया आपको। बहुत आला कबूतर है यार यहाँ पे बहुत आला है माशाल्लाह। और तमाम कबूतरों की नस्लें यहाँ पे मौजूद हैं तकरीबन। ये देखें जी नीला कमग्गर कबूतर है इसकी भी आंख का शौक करें।
लाजवाब माशाल्लाह। रोहित भाई परवाज भी बेमिसाल नदी है। हाँ जी उड़ते हैं, बहुत उड़ते हैं, कोई शक नहीं है। और अक्लमंद भी बहुत हैं ये कबूतर, अक्लमंद भी बहुत हैं। अगर किसी के पास कोई अच्छा पीस गया है ना तो वो इनकी तारीफ ही करेगा, और अगर किसी के पास अच्छा नहीं गया तो वो इनको अच्छा नहीं कहेंगे। आपके पास तो कुवैत में भी इनका रिजल्ट है ना, कुवैत में भी रिजल्ट है इनका। ये क्वालिटी है, कभी कभार ये इस तरह का कलर मारते हैं, जब मारते हैं ना तो वो ये उड़ाते नहीं है। इसको रख लेते हैं। हाँ जी ये ले जी, इनमें नीलों में से निकला हुआ है खाकी कलर का कबूतर है। कुछ दोस्त इनको घुग्गा बोलते हैं, घुग्गे कबूतर, ठीक है। हम तो पंजाब में तकरीबन घुग्गे कबूतर ही कहते हैं इनको, या स्लेटी कबूतर कह लेते हैं। ये देखें इसका पल्ला भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। और ये जब भी अंधेरों में इसका पट्ठा आता है ना, जी जी जी, ठापी मार के बैठता है। क्या बात है, यानी कि खिल के बैठना, मुरझा के नहीं बैठना। मतलब थकावट को थकावट से पहले बैठना है। हाँ जी हाँ, ऐसे ही है, अपना आप रख के बैठना। अब मैं आपको बड़े सेटअप पे लेके जा रहा हूं। सही सही जी आए, अब कौन से सेटअप में लेके जा रहे हैं? ये हम आगे जाएंगे, ये तो कबूतर वही टेढ़ी हैं। अच्छा ये वो वाले इधर टेढ़ी हैं, ठीक ठीक, मिक्स कबूतर है सारे। सही है, 150-200 जोड़े यहाँ लगे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जब हम अगले सेटअप की तरफ चलते हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट कलर मिलेगा। अब वहाँ पे कलर भी डिफरेंट है। इजाज भाई चलें, वो गपशप कर रहे हैं मेरा ख्याल है। लो जी दोस्तों, अब ये देखें जी, ये रेड कलर की छत आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये देखें डब वाले, लो जी ओरिजिनल डब वाले कबूतरों का शौक होगा। ये देखें छत, अब ये रेड कलर में आ गई, यानी कि एक सेटअप इन्होंने रेड कलर की छत का बना दिया, एक येलो कलर की छत का बना दिया जिसको पीला कलर बोलते हैं, ठीक है, और एक वाइट कलर का, वो जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर से, ठीक है जी। तीन कलर का सेटअप बनाया, और यहाँ पे हैं जनाब डब वाले कबूतर, ठीक है। अब ये डब वाले कबूतर आप देखते हैं जी, माशाल्लाह बड़ा सेटअप बोला था गजनफर भाई ने, और वाकई बड़ा सेटअप है जी, कोई शक नहीं है इसमें। ये देखें जी डब वाले कबूतर यहाँ पे पड़े हैं, ओरिजिनल हालत में पड़े हैं, ठीक है। दोस्त तस्वीरों में देखते हैं अक्सर, आज हम आपको इनका लाइव शो करवा रहे हैं डब वाले कबूतरों का। देखें साज दिखाएं, कोई भी परिंदा पकड़ के उसका शौक करवा दें जो अच्छा हो आपको। ये सब एक ही नस्ल है? एक ही नस्ल है। हाँ जी, ये तीन जोड़े हैं बड़े नीचे हैं हमारे जी जी, जिनकी ये सारी ब्रीड है। अच्छा नीचे भी है परिंदे घर पे? वो तो अब जाहिर है, कभी आप फारिग होके आएंगे जी जी, तो उन कबूतरों का भी आपको हम शौक करवाएंगे। वेरी नाइस इंशाल्लाह। लो जी दोस्तों ये देखें जी, डब वाले की आँख है, बहुत ही प्यारी आँख। लोग कहते हैं जी ये लाल आँख वाले कबूतर ऊपर से नहीं आते, ऊपर से नहीं आते। सुने ये अपनी अपनी है ना जी, मगर इनको हमने उन मौसम में भी उड़ते देखा है जब लोगों को 11-12 बजे बैठ जाते हैं। हाँ जी ये वो है, अरे पिछले घरों में भी निकल के बैठते हैं। हाँ जी, यानी कि शाम की परवाजें देकर भी कोई शक नहीं है। अच्छा ब्लड है, अच्छा ये आप ये पट्ठे हैं जी सारे? अच्छा यंग ब्लड है ये सारा ही? हाँ, सारे नौजवान जोड़े यहाँ लगाए हुए हैं। लो जी दोस्तों ये डब वाला पट्ठा है जी, ये भी इसकी भी आंख का शौक करें, लाजवाब परिंदे हैं जी माशाल्लाह। देखिए जी बात ये है कि कबूतर ऊपर से ना आना, ये कोई मिस्टेक अपने खिलाड़ी से भी होती है जी जी, और जो वो उस्ताद ज्यादातर पंगे करते हैं ना जी जी जी, उससे भी कबूतर जाया हो जाता है। सही कह रहे हैं, फिर कबूतरों की नस्ल पे वो नजला गिर जाता है कि जी वो नस्ल अच्छी वापस ही नहीं आया जी। हाँ जी, हाँ, जी फियाज तारर भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये तीसरा चौथा भाई से पकड़ना, कोई समझेगा नहीं कि ये अलग अलग है, वो कहेंगे शायद बार बार एक ही पकड़ के दिखा रहे हैं जी। ये देखें जी ये प्योरिटी में कबूतर है सारे माशाल्लाह, ठीक है, कोई क्रॉस नहीं है इनमें। यहाँ पर टेडी भी आपको एक नंबर मिलेंगे, टेडी भी एक नंबर ही मिलेगा। वाह जी वाह जी साजिद भाई।